ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस, इस कॉन्सेप्ट में गाइस आप सभी को मैं जो लड़की का PNG होगा गाइस वो मैं आप सभी को पहले से ही बना के मतलब मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको डाउनलोड कर लेना एंड इजीली अपने मॉडल के साथ आप ऐड कर सकते हो। एंड गाइस, इस फोटो में जो बैकग्राउंड है गाइस यूज हुआ है गाइस वो भी मैं बैकग्राउंड आपको मैं बना के दे दूंगा, क्योंकि गाइस ये जो फोटो है ये एकदम रियल फोटो थी जिसका गाइस कोई बैकग्राउंड सब मतलब ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए गाइस मैं आप सभी के लिए सब कुछ बनाया है इसमें, तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके इजीली ऐड कर लेना। एंड जैसे जैसे मतलब कि आप पोज वगैरह आप ध्यान से देख लेना कि आपको पोज कैसे करना है। एंड सारी जो भी मतलब कि आप जब लड़की का मॉडल अपने मॉडल में ऐड करोगे तो गाइस सारा का मतलब जो काम होगा वो मॉडल का पोज के ऊपर होगा। तो गाइस पोज जो होगा आप थोड़ा अच्छे से देना तो गाइस वो अच्छे तरीके से एकदम ऐड हो जाएगा। बाकी गाइस जो भी प्रोसेस होगा आगे का मैं वीडियो में आप सभी को बता ही दूंगा। तो गाइस अभी तक अगर आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए गाइस आज किस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी फोटो होगी गाइस उसका पहले हम कलर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको कलर एडजस्ट करने के लिए हम इसका लाइट रूम में पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी जो PNG वगैरह होगा हम पिक साइड में लगाएंगे। तो पहले जाएंगे हम इस लाइट वाले ऑप्शन में, एंड गाइस इसका कॉन्ट्रास्ट जो होगा इसको हम यहाँ पे कर देंगे माइनस। एंड जो गाइस इसका हाईलाइट होगा गाइस इसको भी हाईलाइट को भी माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, तो इसको माइनस कर देते हैं। एंड जो गाइस शेडो होगी हमारी गाइस इसको शेडो को जो है आप सबको इसको इंक्रीज कर देना है। एंड इसके बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पे वो मिलेगा क्या कहते हैं ब्लैक, तो आपको उसको ब्लैक को जो है इसको भी इंक्रीज कर देना है। एंड जो व्हाइट होगा गाइस इसको भी आपको इंक्रीज कर देना है। फिर जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, इसकी जो वाइब्रेशन होगी गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो इसका टेम्परेचर होगा उसको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड आपको जाना है कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद आपको ग्रीन कलर में जाना है। इसका जो ल्यूमिनस होगा गाइस इसको आपको माइनस कर देना है, ठीक है, ल्यूमिनस माइनस कर देना है। एंड जो गाइस सैचुरेशन होगा इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम कर देना है, नहीं गाइस सैचुरेशन आप थोड़ा प्लस कर देना, ठीक है, सैचुरेशन प्लस कर देना। एंड जो ह्यू होगा इसको भी थोड़ा प्लस कर देना। एंड उसके बाद आपको येलो कलर में जाना है, एंड येलो कलर में जाने के बाद उसका ह्यू बढ़ा देना, एंड जो सैचुरेशन होगा उसको बढ़ा देना, ठीक है। एंड उसके बाद जाना आपको ऑरेंज कलर में, यहाँ पे आप सभी को इसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को सैचुरेशन गाइस आप मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद आप सभी को यहाँ पे जाना है इसमें ब्लू कलर में, इसका सैचुरेशन आप माइनस कर देना। एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देना आप सभी को। एंड यहाँ से जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। गाइस ये जो हमारा थोड़ा सा ही अभी हम यहाँ पे कलर रिटच कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें रिटच दोबारा से करना है फोटो को, क्योंकि अभी हम PNG वगैरह लाएंगे तो उसके बाद रिटच दोबारा करेंगे। तो आपको विगनेट भी डाल देना है। एंड उसके बाद ग्रेन अमाउंट होगा आपको उसको भी बढ़ा देना है। फिर नीचे वाले टूल में जाना आपको, यहाँ से फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो गाइस नो रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस कलर नो रिडक्शन होगा आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस इतना काम कर देने के बाद आपको सिंपली अपनी फोटो की गाइस यहाँ पे इसको आपको सेव कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अभी सेव करते हैं। एंड गाइस इसको सेव करने के बाद आप सभी को इसका जो PNG वगैरह होगा वो हम भाई लगाएंगे वहाँ पे पिक्सआर्ट में, तो उसको हम पिक्सआर्ट में लेके चलते हैं। तो गाइस हमने फोटो को पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है। अब गाइस आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको ये रेन का PNG दे दूंगा मैं, ठीक है। तो गाइस आपको इसको पहले क्या करना है, सॉरी गाइस इसको आपको पहले ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है इसका। तो हम इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देते हैं। एंड गाइस ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करने के बाद आप सभी को उसका जो साइज होगा उसको गाइस थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा जो इसके जो पानी की बूंदें वो थोड़ा पास पास है, तो इसको आपको थोड़ा कम करके एंड इरेजर टूल में जाकर आपको फेस का जो एरिया होगा आपका बस ओनली उधर ही उधर के एरिया आपको इरेज कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके बाद आप चाहो तो उसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हम इतना कर देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे हम इसको डन कर देते हैं। इतना करने के बाद गाइस आप सबको फिर करना अपनी इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड इसके बाद दोबारा आप सबको इसको लेके जाना लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको जाना दोबारा लाइट वाला ऑप्शन में, इसका जो आपका कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना, बढ़ा देना है। एंड जो हाईलाइट होगा गाइस इसको थोड़ा कम कर देना है। एंड जो शेडो होगा गाइस इसको थोड़ा कम कर देना है। फिर आपको नीचे ब्लैक मिलेगा आपको उसको भी कम कर देना है। एंड जो व्हाइट होगा उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो इसको आपको जाना नीचे कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको जो इसकी वाइब्रेशन होगी इसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस टेम्परेचर होगा उसका माइनस कर देना, ठीक है, टेम्परेचर माइनस। एंड उसके बाद जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है। एंड उसके बाद आपको उसको ल्यूमिनस थोड़ा बढ़ा देना अपने फेस के अकॉर्डिंग। देन आपको क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है ये येलो कलर में। एंड इसका जो ल्यूमिनस होगा उसको माइनस कर देना है। एंड ग्रीन कलर में जाना इसका ल्यूमिनस माइनस कर देना है। फिर इसका जो इसका सैचुरेशन होगा आपको उसको थोड़ा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इसका ह्यू भी थोड़ा चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसके बाद इतना करने के बाद आपको जाना है इससे ब्लू कलर में। एंड इसका जो सैचुरेशन होगा आपको उसको माइनस कर देना है। एंड जिसके बाद नीचे वाले टूल में जाकर आपको फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो इस फोटो में विगनेट होगा वो डाल देना है। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मेरा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको ग्रेन अमाउंट थोड़ा बढ़ा देना है। एंड चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस नोड रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस कलर नोड रिडक्शन होगा आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।